स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिर आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। और आज इस लेक्चर में हम इसकी 4.1 को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने बेटा इसके 1 to 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो यहाँ से देखें इसका क्वेश्चन नंबर 5, उसके 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। छोटा लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन, अगर तो आपको वीडियो कुछ ब्लर नज़र आ रही है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 करेंगे तो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज क्लियर नज़र आएगा। सो अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। सो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी 5th का फर्स्ट पार्ट, इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। यानी जो भी ऑपरेशन इनमें यूज हुए हैं उनको आप अप्लाई करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करना इसमें कुछ नहीं है जस्ट, लेकिन ये एक दो बार देखा गया बोर्ड में भी। देखें यहाँ पर आप देखें तो दोनों मतलब वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है और प्लस या माइनस हो रहे हो तो याद रखें आप बेटा कि इनका एलसीएम लेके आपने ने सॉल्व करना होगा। लेकिन एलसीएम लेने से पहले देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ 2x माइनस 3y है, यहाँ पर 3y माइनस 2x है। अगर मैं इसको भी इसके जैसा बनाना चाहूं तो देखें जरा क्या कर सकते हैं हम, 15 ओवर 2x माइनस 3y। सो बेटा इन दोनों में से मैं माइनस जस्ट कॉमन लेता हूं। देखें दोनों में माइनस कॉमन अगर लेंगे सो अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस का हो जाएगा। और साथ ही मैंने इनको अरेंज कर दिया, दोनों में से माइनस कॉमन लिया और अंदर वैल्यू देखें चेंज हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखें मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 4 by 2x minus 3y। अब देखें बेटा दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है और क्या हो रही है, ऐड हो रही है। सो इनका हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, सेम है दोनों, तो एक वैल्यू आप लिख लें 2x minus 3y। देखें मैचिंग करें, सेम है सो 15 ऊपर आ गया, यहां भी सेम है सो 4 आ गया। सो दोनों देखें प्लस हो रहे हैं तो 19 by 2x minus 3y ये आपका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल जस्ट माइनस कॉमन लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा और एलसीएम मैचिंग करते हैं, जो मैच हो जाए फिर ऊपर वाला सेम वैल्यू नीचे उतार देते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो वहां पर भी आप देखें फ्रैक्शन फॉर्म में है और वैल्यूज आपस में माइनस हो रही है। सो क्या करें, यहां से ही इसका एलसीएम ले लें आप, 1 minus 2x, दोनों डिफरेंट है 1 plus 2x। सो ये दोनों तो इसका एलसीएम आ गया। अब मैचिंग में करें, देखें ये वाला नंबर इससे मैच हो रहा है, सो ये वाला नंबर आप ऊपर देखें ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर 1 plus 2 पहले से ही है तो इसको हम होल स्केयर बना लेते हैं। साथ देखें साइन सेंटर में माइनस है सो यहाँ पे माइनस लगा दे। अब यहां पर ये देखें ये नंबर मैच हो रहा है इसके साथ, सो ये ऊपर जाएगा, सो 1 minus 2x का भी होल स्केयर हो जाएगा। अब इसे ख्याल करें ये a प्लस बी का होल स्केयर है और ये वाला नंबर a माइनस बी का होल स्केयर है, तो बेटा फॉर्मूला खोलते हैं यहां पर, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर, ये b की जगह पर है तो b स्केयर 2 का स्केयर खोलेंगे 4 आ जाएगा, यानी 4 और x का स्केयर हो जाएगा प्लस 2ab, सो 2 2s are 4x हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस है, मैं इसलिए इनको ब्रैकेट में रख रहा हूं क्योंकि बाद में माइनस अंदर खुलेगा। अब यहां माइनस का फॉर्मूला यही फॉर्मूला, बस जस्ट यहां पर माइनस होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 4x स्केयर माइनस 2 2s are 4x हो जाएगा। तो बेटा देखिए नीचे जो है, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी है, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, 1 का स्केयर माइनस 2x का होल स्केयर,
यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बना रहा हूं यहां पर नीचे। अब इस माइनस को जस्ट खोले जरा, वन प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस, ये माइनस को अंदर खोलेंगे सो सारी वैल्यू आपकी ये माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो नीचे देखें तो वन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब ऊपर चेक करें जो लाइक टर्म्स है वो आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये देखें फोर एक्स स्क्वेयर इस फोर एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो रहा है, ये वन इस वन से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों देखें प्लस हो गए हैं। सो एट एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर एक्स का स्क्वेयर, सो ये आपका आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट देखें तो वहां पर भी एलसीएम ही आपका बनता है। सो एलसीएम के लिए देखें सबसे पहले आपका यहाँ पर देखें फॉर्मूला बना हुआ है, यानी डिनोमिनेटर को आप ख्याल करें, ऊपर वाले को अभी जस्ट एज इट इज ही लिख दें आप, लेकिन डिनोमिनेटर में आपने पहले इसका स्क्वेयर खोलना है। अब देखें एक्स का स्क्वेयर माइनस 25, तो बेटा ये देखें इसका अगर हम बनाते हैं तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर बनाए तो ये क्या होगा, ये 36 है। अगर मैं इसको 6 का स्क्वेयर लिखूं तो उसको खोलने से वापस मेरे पास 36 ही आएगा। सो यहां पर देखें ए स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर मैं बना लेता हूं, पहले जस्ट फॉर्मूला बनाया एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 एज इट इज। अब ये जस्ट फॉर्मूला भी आप खोलें, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है सो ए प्लस बी ए माइनस बी आप लिख लें से, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 आ गया। अब आप यहां पर देखें इसका एलसीएम लेना है आपने, यानी एलसीएम जब लेंगे सो दोनों देखें ये नंबर और ये नंबर सेम है सो एक बार लिखा जाएगा, ये नंबर माइनस में है सो ये एक बार ही आ जाएगा। एलसीएम में याद रखें जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको मैचिंग करते हैं, अगर दोनों के नीचे पाए जाएं तो वो एक बार लिखा जाता है, और जो नहीं भी मिलता उसको भी निकाल लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम होता है। सो देखें यहां पर ये दोनों मैच हो रहे हैं, इट मींस ये पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और ये माइनस है माइनस लगा दिया, इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि माइनस बाद में अंदर खुलता है। यहां पर प्लस वाला मैच हो गया, माइनस वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एक्स प्लस 5 ये तो गिवन है पहले ही ऊपर से आ रहा है और ये ऊपर जाएगा सो एक्स माइनस 6 आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। अब बेटा जस्ट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सो ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अभी आप जस्ट इसको एज इट इज लिखे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें एक्स स्क्वायर एक्स को एक्स से और 6 से करेंगे सो माइनस 6 एक्स आ गया, यानी x को इससे किया और x को माइनस 6 से किया सो माइनस 6x हो गया, और 5x से करेंगे सो 5x और 5 6 और 30 माइनस का आ गया। नीचे आप देखें तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये जिस जो हमने बनाया था दोबारा से हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, यानी x के देखें x प्लस 6 x माइनस 6 ये इससे बना था ना, तो इसको हम वापस क्लोज भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट हमने एलसीएम लेने के लिए इसको सारा कुछ ये बनाना पड़ा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप इस माइनस को जस्ट अंदर खोलें, साथ में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इनको भी हम इकट्ठा करते हैं। सो देखें ये माइनस खुलेगा सो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये वाला और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों अगर माइनस होंगी तो माइनस का एक्स आएगा, सो माइनस एक्स ये वाला जो इससे होगा सो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस आ गया 30, सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 30 एज इट इज। अब बेटा देखिए एक्स स्क्वायर ये नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी जस्ट एक्स बाकी बच रहा है और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे सो 5 आ जाएगा। देखिए ना 30 में से 25 माइनस कर देंगे और नीचे वाला नंबर आप एज इट इज ही लिख दें, सो ये आपका आंसर आ गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के पहले थर्ड 3 पार्ट्स जो है कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर देखें तो आपको ये तीन नंबर्स गिवन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो उसमें 4 पार्ट्स गिवन है, यानी 4 टाइम कुछ इस तरह का ही नंबर गिवन दिया गया। अब देखें वो सेम इसी तरह से ही करना है आपने, पहले आपने इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लें
इन दो नंबर्स को आप सिंपलीफाई करते जाएं, जब जैसे ही इनका आंसर आए फिर इसको आपने साथ मिला लेना है। यानी देखें तो यहाँ पर आप इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, आपका एलसीएम आ जाएगा दोनों में। और ये देखें एक्स माइनस वाई से मैच हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है माइनस लगा दें। यहाँ पर देखें वाई वाई एक्स प्लस वाई से मैच हो गया, सो एक्स माइनस वाई ऊपर चला जाएगा। सो ये वाला नंबर आप एज इट इज ही नीचे अभी कॉपी कर दें एक दो स्टेप। अब ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। सो नीचे देखें बेटा फॉर्मूला बनेगा, आप इसको क्लोज कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी है, सो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो माइनस टू एक्स वाई एज इट इज, यहां पर भी देखें तो ये वाला नंबर एज इट इज हमने उतार दिया। अब ये देखें यहां पर लाइक टर्म्स, ये दोनों कैंसिल होगी, ऊपर बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाकी बचा, और नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बाकी आ गया, टू एक्स वाई एज इट इज और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर भी एज इट इज लिखा। अब दोबारा से देखें, अब यहां से फिर ये जो काम यहाँ पे किया था यहाँ पर फिर वही काम दोहराए, यानी इन दोनों का आप दोबारा से एलसीएम लेंगे सो यही एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि देखें ना दोनों मैच कर रही है, दोनों सेम है सो एक बार लिखी जाएंगी, यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। सो देखें दोनों मैच है, ये नंबर एज इट इज ही यहाँ पे नीचे उतर आएगा क्योंकि ये नंबर सेम हो गया, यहाँ पर भी ये सेम है, सो माइनस टू एक्स वाई नीचे उतार दिया। अब ख्याल करें ये आपके पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी फॉर्मूला बन गया, सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो नीचे बेटा देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये ए माइनस बी हम इसको लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस वाई है ना, सो इसको हम डबल लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, सो देखें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए डबल इसको लिख दिया। नीचे देखें तो फॉर्मूला इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, मैंने इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बाकी आपका ये वाला आंसर आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी यही जरा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ख्याल करें यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, सबसे पहला काम ही ये आपने देखना है कि कहीं पे कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन लें, अगर कहीं पे कोई फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूला लगाएं, अगर किसी की फैक्टराइजेशन हो रही है सो फैक्टराइजेशन करें। सो देखें यहाँ पर 9x चाहिए और 3 चाहिए, सो 3 3s are 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, दोनों को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 3s are 9x स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज। यहां पर दोनों में देखें 2 कॉमन, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया। अब यहां पर देखें फिर से फॉर्मूला बन गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, सो इन दोनों में से देखें फैक्टर्स बनाए, एक्स माइनस 2 तो x कॉमन बेटा, तो x प्लस 3 यहां से 3 कॉमन x प्लस 3, ये जरा काम आपके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन ही है, बकाया कुछ नहीं है। देखें यहां पर इन दो वैल्यूज को आपने लादा करके इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर x x x से डिवाइड होगा सो x बाकी बच जाएगा, यहां पे x x कट जाएगा 3 आ जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया सो 3 कॉमन 3 कट गया, 3 3s are 9 यहां पे आ गया। सो यहां पर आप इसका फॉर्मूला बनाए जरा देखें तो 2 एज इट इज, इसको अगर हम लिखते हैं तो x का स्क्वायर माइनस बेटा जी 3 का स्क्वायर हम बना सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बना लिया। सो अब ये देखें आप कॉमन को कॉमन से मिला दें, x माइनस 2 ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, इस कॉमन को x प्लस 3 को x प्लस 3 यानी x प्लस 3 और इन दोनों में से एक सेट ले लेना आपने,
यहां पर आए तो x प्लस टू डिवाइडेड बाय, देखें टू एज इट इज, और ये अंदर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपका फॉर्मूला बन गया। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, यानी ए की जगह एक्स है, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री हम लिख सकते हैं, यानी ये इसका फॉर्मूला हमने क्लोज था यहां पर, यहां इसको ओपन कर दिया। अब बेटा जी आपने क्या करना है, यहां पर इसका एलसीएम लेना है क्योंकि मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। ये देखें एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री ये एक बार आ गया, एक्स प्लस थ्री इधर नहीं मिल रहा, सो एक बार फिर एक्स प्लस थ्री भी आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री भी आ जाएगा, और बेटा जी एक और नंबर है ये टू, वो टू भी आ जाएगा। यानी एलसीएम में याद रखें, अगर एक सेट आपने यहां से देखना है और एक यहां पर, इन दोनों को एक बार लिखा, इसके जैसा नहीं मिल रहा, ये देखे ना ये दोनों डिफरेंट है, जो सो दोनों नीचे आ जाएंगे, और ये टू भी नहीं मिल रहा, टू भी निकल आएगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन मेंबर का मतलब ये है कि कम अज कम जो एंड तक बच रहा है उसको निकाल लें, अगर दोनों में कोई सेम हो जाए तो उसको एक बार लिखें। ये एलसीएम है, यहां पर देखें तो क्या मैच हो रहा है, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, बेटा देखें यानी सॉरी दोनों मैच हो रहे हैं प्लस वाले, ये वाले, सो एक्स माइनस थ्री और ये टू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस तरह से करेंगे, टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। यहां पर चेक करें तो ये क्या मिल रहा है, यानी एक तो टू मिल गया, यहां पर एक्स प्लस थ्री ये मिल गया, और एक्स माइनस थ्री ये नहीं मिल रहा है एक्स प्लस थ्री, सो एक्स प्लस टू से इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। सो अब मल्टीप्लाई करके बाद में टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेटा टू को भी एज इट इज ही आप नीचे उतारते जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा। देखें एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे किया सो माइनस थ्री एक्स, टू एक्स और टू थ्री जर सिक्स माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पर आएंगे अभी माइनस को एज इट इज ये आप रहने दें, माइनस को अब ना खोलें अभी क्योंकि पहले जस्ट मल्टीप्लीकेशन करें। सो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स टू एक्स टू थ्री जर सिक्स, सो ये आपका नंबर सिक्स यहां पे आ गया। नीचे बेटा देखें तो अगर मैं यहां पर इन दो नंबर्स का स्क्वायर बना दूं, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर बना दें, तो बन सकता है यानी 2 इंटू एक्स प्लस थ्री एज इट इज, और इन दोनों को मैंने लिख दिया 9। ये देखें, ये दोबारा से देखें, यहां से बना था ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी ये सेट बना और ये दो नंबर आए, तो दोनों को दोबारा से क्लोज करके हम ये लिख सकते हैं वापस एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि अब हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चल रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब आप जरा ख्याल करें, जो लाइक टर्म्स है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें पहले साथ, और साथ में ये देखें टू एक्स स्क्वायर अंदर देखें, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, सो माइनस थ्री और माइनस टू फाइव हो जाएगा, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस टेन एक्स आ जाएगा, सिक्स टू जार ट्वेल्व, ये मैंने साथ में इन दोनों को प्लस भी किया है, टेन हो गया, और ये सिक्स टू जार ट्वेल्व भी कर लिया। इस माइनस को अंदर खोलेंगे सो देखें माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखें दोनों फाइव हो जाएंगे, टू और थ्री प्लस फाइव हो गए, माइनस आगे अंदर खुलेगा सो माइनस फाइव एक्स आ गया, और ये माइनस इससे भी खुला, सो बेटा ये प्लस जो था ये भी आपका साइन माइनस इसके साथ लग जाएगा। सो नीचे जो नंबर है उसको एज इट इज लिखें, टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब ख्याल करें जरा, ये लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स, यानी एक एक्स आ गया, टू में से एक माइनस हो गया, ये लाइक टर्म्स हैं फाइव टेन एक्स और ये फिफ्टीन एक्स हो गया, और बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं सो प्लस सिक्स सिक्स आ गया, जस्ट सिक्स आ रहा है क्योंकि एक्स नहीं है इनके साथ, इसको आप एज इट इज ही नीचे लिखें, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। सो यहाँ पर ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखें तो ये मैंने जो क्लोज किया था ये फॉर्मूला, अगर आप इसको ना भी करें ना, आप इन दोनों का भी होल स्केयर बना सकते हैं, आपने ये याद रखना है।
अगर आप ये ना करें तो आप इन दो नंबर्स का भी देखें ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो आप इनका भी स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी ठीक है, अगर इसको आप नहीं करना चाहते तो एक्स माइनस थ्री एज इट इज ले आए, इन दोनों का आप स्क्वायर बना सकते हैं यानी डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पर भी यही नंबर आ जाएगा आपका थ्री, और ये वाला यहाँ पर स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वेयर आ जाएगा, और ये वाला नंबर एज इट इज एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। सो ये वाला जो आंसर है वो आपकी बुक के लिहाज से है। अगर आप उसको क्लोज, इन दोनों को क्लोज करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स देख। सो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखें तो बेटा, सबसे पहले आपने इन दो नंबर्स का एलसीएम लेना है। दो नंबर्स को एलसीएम लेके क्लोज करने के बाद इन दो नंबर्स को आपने पहले क्लोज करना है। यानी कैसे करेंगे देखें, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक। दो नंबर का एलसीएम लिया, यहां पर एक्स माइनस वन सेम हो गया, एक्स प्लस वन वन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बेटा देखिए सेंटर में माइनस है इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि माइनस बाद में खुलता है इसलिए इसका ख्याल करना है। ये एक्स प्लस वन से मैच हो गया, एक्स माइनस वन ऊपर वन से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। इन दो नंबर को आपने एक दो स्टेप बेटा सेम एज इट इज ही उतारना है, ये जरा ख्याल कर लें कि कैसे करना है इनको। अब इसको जस्ट सॉल्व करें, ये देखिए माइनस को खोलें, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, सो नीचे क्लोज कर दें तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी ए माइनस बी था, सो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। सो ये देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक्स प्लस का एक्स माइनस का, और ये वाला स्टेप आप इसके सामने एज इट इज ही लिख दें अभी। अब यहां से देखें तो बाकी जस्ट टू आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पर बेटा देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन एज इट इज माइनस फोर बाय एक्स की फोर वन माइनस वन। अब आप इन दो नंबर्स का दोबारा से यही काम करें और इस फोर बाय एक्स फोर माइनस वन को एज इट इज नीचे लिखते जाएं, जबकि इन दो नंबर्स का एलसीएम लें। सो इन दो नंबर का जब एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन मैच, ये ऊपर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एज इट इज प्लस एक्स स्केयर प्लस वन, एक्स स्केयर प्लस वन से मैच, ये नंबर ऊपर चला जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन। बेटा ये एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका कार है, इससे परेशान नहीं होना। जब भी दो नंबर्स का एलसीएम लेंगे, जो नंबर मैच होगा उसको आप इग्नोर कर देंगे यानी काट देंगे, तो दूसरा नंबर ऊपर वाले से जो न्यूमिरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखिए इससे करेंगे, सो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस टू हो गया। नीचे बेटा जी ये आपने क्लोज करना है, सो देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस वाले को क्लोज करें जरा, माइनस वाले का पहले से ही स्क्वायर है, सो ऊपर अब एक और स्क्वायर आ जाएगा, सो टू टू जर फोर हो जाएगा, सो एक्स की पावर फोर माइनस वन, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इसका पहले से ही ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। सो माइनस फोर बाय एक्स की पावर फोर माइनस वन लिख दी, यहां पर चेक करें क्या चीज कैंसिल हो रही है, ये देखें टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का, बाकी फोर टू प्लस टू फोर ओवर एक्स की पावर फोर माइनस वन, सो फोर बाय एक्स की पावर फोर माइनस वन। सो बेटा ख्याल करें ये प्लस का, ये पूरी वैल्यू माइनस की है, देखें फोर बाय एक्स की पावर फोर माइनस वन, यहां पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, ये पूरी वैल्यू माइनस की है। सो यहां पे आप डायरेक्ट ही ने काट के आंसर आपका जीरो आ जाएगा। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के तमाम पार्ट कंप्लीट हुए, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके भी बेटा सिक्स पार्ट्स हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ऑपरेशंस जो यूज होंगे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट चल रहा था। उनमें जब भी कभी भी इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए और प्लस माइनस के साथ मुंसलिक हों तो आपने याद रखना है कि आपने उनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है।
लेकिन अगर कभी इस तरह से देखे ना, ये अगर डॉट लिखा हुआ है, डॉट से मुराद के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखे ये डिवीजन साइन आ गया। अब जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं ये डिवीजन के हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है। सो इनको आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, देखना है अगर किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर, किसी भी जो ये हमारे पास जो दिया हुआ है, टर्म्स दी गई है, अगर तो इनकी फैक्टराइजेशन हो रही है फैक्टराइजेशन करें, अगर इनका कोई फॉर्मूला लगा हुआ है सो फॉर्मूला अप्लाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इनको काट देना है आपस में, ये आपने ख्याल रखना है। सो देखें इनको करना कैसे, देखें सबसे पहले देखें आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 49। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सो बेटा ये वाला नंबर आप एज इट इज ही लिख दें। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट परेशान नहीं होना इनसे। देखें मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट इसका फॉर्मूला बना दिया ए का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इनको खोलेंगे वापस यही चीज आएगी। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो हम इसे एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं इन टू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। सो देखिए एक्स प्लस 7, सॉरी ये एक्स प्लस 7 से कैंसिल होगा इस नंबर से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो काट सकते हैं हम। तो बाकी ये दो नंबर जो आपके आए हैं एक्स माइनस 7 एंड 5x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा इस नंबर को आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे आंसर दे दें ऐसे भी ठीक है। यहां पर देखें तो इन दो नंबर्स में सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन को पकड़ना है उसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें देखें क्या चीज, कोई चीज कॉमन तो नहीं इन दोनों में, यानी 4 कॉमन आ रहा है। सो 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, देखें यहां से 4 बाहर चला गया, यहां से 4 3 जार 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे देखें तो फिर दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इसे अगर बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। सो 3 का स्क्वेयर खोले वापस वही नंबर आएगा, डिवीजन साइन एज इट इज। यहां पर भी चेक करें इधर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां पर इनकी बेटा फैक्टराइजेशन हो रही है, देखें हर एक्सप्रेशन के ऊपर डिफरेंट काम हो रहा है, यहां से 4 कॉमन, यहां पर फॉर्मूला, यहां पर कॉमन, यहां पर फैक्टराइजेशन, ये ख्याल करना है आपने बस जस्ट। सो देखें इसकी फैक्टराइजेशन होगी प्लस 3x, 3x 3 3 प्लस 3 और 3 करेंगे 6x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 3 जार 9x स्क्वायर होगा। सो अब जरा इस पे भी देखें तो फॉर्मूला बन गया हमारा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस हम इसे लिखेंगे। सो देखें यहां से 4x माइनस 3 एज इट इज, ये आप फॉर्मूला बनाए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड साइन एज इट इज 2 इन टू, इसको देखें 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो नीचे अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेते हैं एक्स प्लस 3 आ जाएगा, यहां से कॉमन एक्स प्लस 3 यहां से भी आ गया, यानी क्या किया मैंने इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया, सो एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस 3 यहां से बन गया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया सो एक्स प्लस 3 यहां से भी आ गया। अब आप क्या करें, अब आपने काम ये करना है कि इस फॉर्मूले को भी खोलें जरा और देखें जो अगर कटिंग होती है वो कर दें। ये देखें ये एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कैंसिल, यानी सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाएं, ये आपका आ जाएगा बाकी आएगा 4 नीचे एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटा 2 एज इट इज। इसको मैं लिखता हूं 3 प्लस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा ख्याल करें यहां कि मैंने क्या काम किया, फॉर्मूला बनाया था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी हमारे पास जो है वो ए की जगह 3 था सो ए यहां पर भी 3 है, या बी की जगह एक्स है सो बी हमने उसी के हिसाब से लिखा, कॉमन को कॉमन से मिला दें और दोनों में से एक सेट आप ले लें। अब आप ये देखें 3 प्लस एक्स x प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम x माइनस 3 नहीं लिख सकते, ये देखें ये प्लस का 3 है ये माइनस का 3 है। सो एक और इससे पहले आप काम ये करें कि 4x प्लस 3 इस साइन को आपने मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है। याद रखें कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिवीजन साइन आ जाए तो उसे सॉल्व क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे उससे आगे वाली वैल्यू जो होगी वो पलट जाएगी,
नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यानी किस तरह से लिखेंगे आप इसे, x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस सॉरी x प्लस थ्री, ये दो नंबर ऊपर चले गए और वो दोनों नंबर जो थे वो नीचे आ जाएंगे। x प्लस थ्री मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूं, और अगर इसको भी मैं सीधा करके लिखूं तो ये मेरे पास कुछ यू बनेगा, और ये माइनस मैंने समझ लें यहां, नहीं तो यहां पर मैं कॉमन माइनस लेता हूं, क्योंकि अगर ये सेंटर में माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो जाएंगे। मैंने जस्ट इन दो नंबर में से अंदर कॉमन लिया है, सो एक्स माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का थ्री था सो वो माइनस हो जाएगा। आप इस माइनस को अंदर खोलें, दोबारा से ये नंबर आपके पास आ जाएगा। आप देखें ये x प्लस थ्री, x प्लस थ्री से कैंसिल, ये टू इस टू से टू आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस थ्री ये वाला इस नंबर से कैंसिल, ये देखिए चेक करें, ये x प्लस थ्री से कैंसिल, ये x प्लस थ्री से कैंसिल, टू टू जर फोर, बाकी ऊपर देखें ऊपर क्या बाकी बचा है, सिर्फ टू, और नीचे माइनस आप बाहर ही रहने दें, ठीक। या आप इसको आप ऐसा करें ये ना कॉमन लें, आप परेशान ना हो, ये लें ये एज इट इज मैंने नंबर लिख दिया, सो इसको आप यहां पर भी एज इट इज ही उतार दें, सो ये आपका आंसर है। अगर आप वैसे भी कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको एज इट इज लेके आ जाए, सो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो सिक्स का सेकेंड पार्ट था वो भी कम्प्लीट हुआ। सो ये आप बेटा इक्वालिटी का साइन जरूर लगाया करें, इसके बाकायदा नंबर होते हैं, आपने इसका ख्याल करना है। अब इसमें ये देखें क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर देखें तो आपको मोस्टली जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन होंगी वो उसने सिंपल किसी फार्मूले को खोलने के बाद के लिए दी गई होंगी, कि यानी जस्ट इस फार्मूले को खोलो, वो इस नंबर से किसी ना किसी से काटने के लिए रखी होती है। सो अगर आप ये देखें ऊपर एक्स की पावर सिक्स है, एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई की पावर सिक्स है, इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो आप अंदर क्यूब कर लें और ऊपर स्क्वायर कर लें, वाई का क्यूब अंदर स्क्वायर ऊपर, तो देखिए ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मैं लिख सकता हूं। लेकिन इसको लिखने का मुझे फायदा कोई नहीं होगा, फायदा क्या नहीं होगा, अगर आप क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे ना उसमें ये चीज आएगी ना ये आएगी, तो ये वाली एक हमें हिंट मिल रही है, यानी x की 4 बाइन प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई की 4, ये हमें एक हिंट मिल रही है। वो हिंट क्या है कि आप इधर जो है वो स्क्वायर को आप अंदर कर लें और क्यूब को बाहर करें, तो देखें अगर क्यूब को बेटा बाहर करते हैं तो फिर क्या बनता है, देखें x का स्क्वायर अंदर क्यूब बाहर माइनस y का स्क्वायर अंदर क्यूब बाहर, इन दोनों को आप एज इट इज ही लिख दें, सिर्फ ये वाला पार्ट आप सॉल्व करें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने नंबर एज इट इज ही लिख दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है क्यूब का, वो फॉर्मूला क्या है, देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इसके फॉर्मूले के इक्वल है। अब आप देखिए ए की जगह यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अगर बेटा एक्स स्क्वायर है सो यहां पर भी एक्स स्क्वायर लग जाएगा, यहां पर भी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अगर उसके मुताबिक देखें यहां पर फॉर्मूले में ही टू होता है, लेकिन यहां पर तो ए की वैल्यू भी टू है, ए एक्स का स्क्वायर है सो यहां पर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर फोर हो जाएगी, टू टू जर फोर, यहां पर टू टू आएगी, यहां पर भी फोर हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहां फॉर्मूला बनाता हूं, यानी इसका ए का स्क्वायर, ये आपके पास जो है वो एक्स का स्क्वायर जो है वो ए की जगह पर है, ये पूरी वैल्यू बी की जगह पर है। सो क्यूब का फॉर्मूला अगर खोलते हैं तो देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखें ये चीज ठीक, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये देखें ये मेरे पास ए वैल्यू थी, मैंने ये ए एज इट इज लिख के ऊपर स्क्वायर लगाया फॉर्मूले का, सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये ए बी है सो बी का स्क्वायर क्या है वो वाई का स्क्वायर लग दिया। सो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर भी एज इट इज लिख दिया। और एक काम यहां पर देखें, ये आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है, जैसे इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया ये वाली वैल्यू पलट जाएगी,
यानी इसके नीचे फिलहाल समझे वन है, सो वन ऊपर रहा, ये वाली वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी, यानी इसी की डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी, ये आ गया। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करें फिर देखते हैं क्या होता है। देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स की फोर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, सो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सो बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये वाली नंबर, ये वाला नंबर भी एज इट इज यहाँ पे उतारा, यानी वन बाय एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर फोर। सो ये देखें ये सारा नंबर इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, सो आपका आंसर जो आया वन के इक्वल आ गया। सो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा दें, आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का सिक्स के थ्री पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो इसी के साथ हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपके लास्ट टू पार्ट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के, यहाँ पर देखें x माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, और नीचे भी आपका एक फॉर्मूला है जो कि खुला हुआ है, उसको क्लोज कर सकते हैं। ये जैसे उसने ये दो नंबर्स जो दिए हैं वो इनकी कटिंग के लिए दिए हुए हैं। सो देखें तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अगर बनाते हैं तो वापस वन का स्क्वायर खोलने से हमेशा वन ही आएगा। सो अगर मैं इसे लिखना चाहूं x प्लस वन, यानी x का स्क्वायर, चलिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला बना लेते हैं वन का स्क्वायर। सो नीचे देखें बेटा ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ये आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट होता है, आपने ये ख्याल करना है कि इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, सो माइनस कॉमन लूंगा, सो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब आप इनको जरा फॉर्मूला इसका एक्सपेंड करें, सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन हो गया। नीचे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर था, सो ये हमने बना लिया। अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूला ना समझ आ रही हो ना, कि ये फॉर्मूला नहीं आपको पता चल रहा, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर देंगे तब भी यही दो फैक्टर्स बनेंगे, आप फैक्टराइजेशन भी करके निकाल सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रख लेंगे तो उससे आपका जो काम है वो शॉर्टकट में हो जाएगा। सो देखें यहाँ पर x प्लस वन से कैंसिल, ये x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, सो बाकी ये माइनस और ऊपर x प्लस फाइव बाकी बचा, नीचे x प्लस वन बाकी बचा, इन दोनों को आपने इस तरह ब्रैकेट लगा के और ये बाहर आपने माइनस लिख देना है, क्योंकि ये वाला माइनस भी साथ आएगा। इसी का लास्ट पार्ट देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें जरा लिखा तो बहुत टिपिकल सा लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बेटा देखें इन दोनों में से देखें क्या की चीज कॉमन है, x कॉमन, सो x प्लस वाई अंदर आ गया, यहाँ पर y एज इट इज x प्लस वाई सेम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर देखें मल्टीप्लीकेशन है, यानी पॉइंट लगा हुआ है, तो इन दोनों में भी x प्लस वाई, यानी x कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई अंदर चला जाएगा और x प्लस वाई ये भी आ जाएगा। ये डिवीजन साइन है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर ये डिवाइड हो रहा है। सो दोनों में चेक करें जरा, एक्स कॉमन अंदर हो गया, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहां पर दोनों में वाई कॉमन है, सो एक्स माइनस टू आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। देखिए वाई बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस टू अंदर बाकी बच गया। अब आप इस साइन को जरा ना क्या करें कि मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें, बाकी ये नंबर में सेम एज इट इज ही उतार रहा हूं, ये चेक करें जरा, y into x plus y multiply x into x plus y over y into x plus y, ये देखें ये सेम एज इट इज नीचे नंबर उतार दिए, कुछ भी इनमें फर्क नहीं किया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, सो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी y into x minus 2 divided by x into x minus 1 नीचे आ जाएगा। अब जरा कैंसिलेशन करें, देखें मल्टीप्लाई तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो देखें ये वाला वाई तो इस वाई से कैंसिल, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, एक्स प्लस वाई से कैंसिल, ये दोनों भी एक्स प्लस वाई से कैंसिल, बाकी क्या बचा, एक्स ओवर वाई, ये वहां से एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो यहां पर बेटा जी आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स के भी ऑल पार्ट कंप्लीट हुए। सो एक एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने किया गया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बखूबी इसकी समझ आई होगी।
एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसको अच्छे खासे तरीके से कर पाएंगे। सो बेटा, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।